एम बैटरी है मोबाइल का, बड़ा मोबाइल शायद MI का है। हाँ MI का है दोस्तों। ये टैब मैंने पहले से इसे कुछ लाइट, दोस्तों मैं एक टैब कबार चुका हूँ, इसे फेंक दे रहा हूँ। दोस्तों मेरे लिथियम बैटरी है, इसे कुछ इस तरह से तार कनेक्ट किए थे तो इसको कबार देता हूँ। दोस्तों काफ़ी मजबूत है दोस्तों, ये कबर गया है। इस जैक को मैं काम में लेने वाला हूँ, इसे रख लेते हैं साइड में। दोस्तों मेरे बैटरी के देखने वाले हैं इसमें क्या रहता है। पहले इसमें इस प्लास्टिक को हटाना होगा, इसलिए मैं चाकू का मदद ले रहा हूँ। कुछ इस तरह से कट होने वाला है। अरे क्या हो गया, कुछ इस तरह से कवाड़ चुके हैं दोस्तों, इसको वगैरह वगैरह ये सब कवाड़ लेता हूँ दोस्तों। दोस्तों पूरा खराब स्मेल आ रहा है, घर पे ट्राई ना करें दोस्तों, खराब स्मेल आ रहा है दोस्तों। क्या है इसके अंदर दोस्तों, एक प्लास्टिक का सीट है, प्लास्टिक का सीट कवा देगा। दोस्तों कुछ इस तरह से खुल रहा बैटरी दोस्तों, उसमें तो बहुत खराब आ रही है दोस्तों। सबसे पहले इसमें एक पेपर है, ब्लैक कलर का पेपर, उसके ऊपर प्लास्टिक है दोस्तों, कुछ इस तरह से, इस तरह से कुछ प्लास्टिक है। इसके अंदर से ब्लैक कलर का शायद ये क्या है, शायद जो भी हो इस प्लास्टिक है ब्लैक कलर का, इसमें कलर चला हुआ शायद, मेरे क्लच कलर ही है, कलर चला हुआ। इस पर भी ब्लैक कलर का कोई कलर है। इसके अंदर से फिर ये कॉपर का पेपर है, देखिए दोस्तों कॉपर का पेपर ही है दोस्तों। घर पे ट्राई ना करें दोस्तों, डेंजर है, बहुत डेंजर हो सकता है दोस्तों। लास्ट का पार्ट है इसका, इसमें कुछ इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव बना रहता है, देखिए दोस्तों ये नेगेटिव है पॉजिटिव इसमें रहता है। यहाँ से दो तार निकले थे दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों इस तार को मिलाइए, ये तार और ये तार दोस्तों लिंक पे फेंक के निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों ये तार एक सेम में आ जा रहे दोस्तों, ये नेगेटिव रहता है पॉजिटिव रहता है, कुछ इसी तरह से बैटरी के अंदर रहता है दोस्तों। कि इतना बड़ा इसलिए है ताकि बैटरी का बैकअप ज़्यादा मिल सकता है दोस्तों। बैटरी का बैकअप इसलिए कम हो जाता है, बैटरी को ज़्यादा चार्ज लगाने से बैटरी फूल जाता है दोस्तों। दोस्तों जय हिंद।